अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए जूसी फ्राइड चिकन तैयार कर रही हूँ। ये मैंने 2 ड्रम स्टिक्स ली हैं, जिन्हें मैं इस सॉस पैन में डाल रही हूँ। आधा कप पानी डालूँगी, इसलिए कि हमने इसे गलाना है और आपको पता है कि चिकन बहुत जल्दी से गल जाती है। अब 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स, ब्लैक पेपर क्रस्ट 1/4 टीस्पून, नमक, सुर्ख मिर्च 1/4 टीस्पून दोनों, और 1/4 टीस्पून चाट मसाला है। इसके अलावा ये दक्कनी मिर्च है जो कि मैंने 2 पिंचेस लिए हैं। ये सब मैं डालकर इसमें अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसके अलावा मैं 1-1 टेबल स्पून सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डालूंगी और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसमें मैं अभी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी डालूंगी, क्योंकि उस कुकिंग ऑयल की वजह से ये अंदर तक अच्छे से जूसी होंगे। और फिर मैं इन्हें ढक के रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। तो आप फिर हम इनके गलने पर मिलते हैं। मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट लगे हैं। काफ़ी सारा पानी ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छी सी गली हुई सी महसूस हो रही है। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ और फिर हम इसे फ्राई करने की तैयारी करेंगे। और अभी फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। मैं एक एक करके दोनों ड्रम स्टिक्स इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम अभी मीडियम है, इसी मीडियम फ्लेम पे मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो करके इन्हें ढक कर रखूँगी। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें चेक कर रही हूँ। बहुत अच्छी गोल्डन गोल्डन सी हो गई हैं और अब मैं इन्हें देखूँगी कि अंदर से तैयार हो गई हैं। वैसे तैयार तो हो गई होंगी, इसलिए कि काफ़ी बॉयल भी हुई हैं ये। जी हाँ, ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट सी हो गई। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इन्हें निकाल रही हूँ और फिर बाकी का प्रोसेस करूँगी। फ्राई पैन चूल्हे पर रखा हुआ गर्म हो रहा है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 2 लहसुन के जवों को मैंने रफली चॉप कर लिया था, ये थोड़ा सोते होंगे, और सोते होने के बाद फिर मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई और 1/2 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा डाल रही हूँ। अगर भुना नहीं हो तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भुन जाएगा। और यहाँ मैं 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप के डाल रही हूँ, इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और फिर इसमें हम ये ड्रम स्टिक्स डालेंगे और मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैं मीडियम करूंगी, मीडियम लो, अभी मीडियम पे है, मैं लो करूंगी और इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक कर रखूंगी। और उसके बाद फिर मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगी। व्यूअर्स, ये मैंने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी जूसी स्पाइसी ड्रम स्टिक्स तैयार कर दी हैं।
इन ड्रम स्टिक की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हैं। इन ड्रम स्टिक की रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसको आप मज़ीद सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं और सलाद भी रख सकती हैं। मैंने इसके साथ कोई भी चीज़ सर्व नहीं की है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सी ग्रेवी बनी हुई है कैचअप की, लिहाजा मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।